हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और आप सबकी करवा चौथ किस तरह की रही मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। और इस बार की करवा चौथ हमारी जो है अपनी मायके में हुई और सारी सिस्टर सारी कज़न्स जो हैं इकट्ठी हुई थी, तो इतना इन्जॉय किया हमने, बड़ा स्पेशल था। शायद से ये पहली बार था कि हम सब सारी बहनें शादी के बाद अपनी करवा चौथ एक साथ, करवा चौथ का व्रत जो है एक साथ रख रहे थे, तो खूब सारा मज़ा किया। और सुबह सुबह हम कोई 3:30 बजे उठ गए थे, 3:30-4 बजे का टाइम था। और उसके बाद क्योंकि रात को हम सोए भी लेट ही थे उस दिन, कोई 2 बजे सोए थे, रात को डांस करते रहे और उसके बाद 2 बजे सोए, तो सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था। और इधर सबकी हालत देखिए, नींद से किसी को कुछ पता नहीं चल रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ मैं उठने लगी और दीदी के नीचे मेरी शर्ट थी, तो मैं नीचे गिर गई दोबारा से। इतनी होश नहीं थी कि सीधे खड़े हो जाऊं। तो सुबह सुबह हंसी मजाक, खाना पीना, थोड़ा बहुत जो भी खाना पीना था वो सब हो रहा है यहाँ पे। और बस सबको किसी किसी बात पे हंसी आ रही है। तो बस इस तरह से था हमारा करवा चौथ का व्रत जो है। सरगी हमने इस तरह से खाई और खूब इंजॉय कर रहे थे, और भाई भी हमारे साथ इंजॉय कर रहे थे। हेलो, गुड इवनिंग। अभी टाइम हो गया है 7:30 का, और इस वक्त सारी लेडीज़ जो हैं उनका करवा चौथ का फास्ट होगा और वो वेट कर रही होंगी कब चांद आए और हम अपना व्रत पूरा करें। और सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। और अभी हम आज मार्केट में गए थे, आज बिल्कुल टाइम नहीं लगा सुबह से, जो है थोड़ी सी वीडियो सिर्फ स्टार्ट की थी जब हमने सुबह उठ के सरगी खाई थी। हम कोई 3:30-4 बजे के करीब उठ गए थे, और मेहंदी वगैरह भी लगाने का हमारे पास टाइम नहीं था, तो क्योंकि शादी भी है तो उस वजह से हम मेहंदी भी नहीं लगवा पाए थे। तो आज हमने लड़की को घर पे ही बुलाया था, और अभी हम मार्केट से आके, और ये मेहंदी मैंने अभी उतारी भी नहीं, आधी उतारी क्योंकि आधी ही सूखी थी और यहाँ तक। और ये वाली बैंगल्स पहनी है मैंने, ये और जो ये पीछे रेड वाली हैं ये मैंने सुबह पहनी थी मॉर्निंग में, तो फिर मैंने ये उतारी नहीं। तो इस तरह की बैंगल्स ली हैं मैंने, और सूट पहना है ये वाला, और ये है मेरी मेहंदी। ज़्यादा नहीं लगवाई है क्योंकि अभी शाम हो गई थी, इतनी लगाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो बस ये इतनी सी लगाई है और मुझे इतनी सी अच्छी लग रही थी। जीनू तो मुझे बोल रहे थे कि ये भी मत लगवाओ, बस ये जो टिप्स हैं इसकी ये फिल करवा दो और सेंटर में एक सर्कल बना दो, मैं वो वाली लगाती हूँ, मुझे वही पसंद है, तो इसलिए मैंने ये इस तरह से लगवाई है, कम कम ही, ज़्यादा नहीं लगवाई है। और अभी बाकी वाले जो हैं वो नीचे हैं, लगवा रहे हैं अभी मेहंदी, और हम वेट कर रहे हैं चांद का कि कब चांद निकलेगा। तो थोड़ी देर अभी थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, खाना वगैरह जो है डिनर वगैरह वो सब रेडी हो गया। और आज हमारे घर में बना है राजमा, गोभी, पूरी, चावल और पनीर और रायता, दही का रायता, बूंदी वाला रायता बनाया हमने, तो वो अंकल एक लगाए हैं तो वो वही बनाते हैं सारा खाना वगैरह सब कुछ, वो भी कोई टेंशन नहीं थी तो सारा खाना वगैरह वही बना देते हैं, तो वो भी रेडी हो गया, डिनर रेडी है, बस अभी वेट कर रहे हैं। और आज इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी, पर प्यास बड़ी ज़्यादा लगी थी। खाना पीने खाने का नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन प्यास बड़ी ज़्यादा लगती है कि कब पानी मिलेगा। और मैं सबसे पहले जब मैं अपना व्रत खोलती हूँ और मैं सबसे पहले पानी पी लेती हूँ, 3-4 गिलास तो पानी पीना ही पीना है मुझे, वो मैं पी लेती हूँ। फिर उसके बाद खाना ज़्यादा खा नहीं पाती, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चपाती इस तरह से खाऊँगी और बस। और ब्लू कलर की नेल पेंट लगाई थी, लेकिन मेहंदी वाले ने उस नेल पेंट के ऊपर ही ना ये इस तरह से मेहंदी लगा दी है, ये ब्लू कलर की नेल पेंट लगाई थी मैंने, मैच सेम कलर था ये जैसा मेरे सूट का है वैसा ही सेम। और इस तरह का सूट है मेरा ये, इस बार की मेहंदी जो है वो बड़ी सिंपल सी लगवाई थी मैंने। जीनू तो मुझे बोलते सेंटर में एक सर्कल लगवा के और टिप्स फिल करा दो, लेकिन मैंने इस तरह की लगवा दी, एक फ्लावर लगा दिया। और क्योंकि शादी भी है तो थोड़ी बहुत भरी भरी मेहंदी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि शाम को लगवाई थी हमने, कोई 6-7 बजे का टाइम था तब लगवाई थी, तो तब तक थकावट भी बड़ी ज़्यादा हो गई थी और भूख भी उस टाइम लगने शुरू हो जाती है, तो बस लेकिन लगवाना ज़रूरी होती है, शगुन की मेहंदी होती है। तो साथ में इस बार मैंने थोड़ा सा स्पेशल कुछ किया है, ये जो आपको नाम दिख रहा है मैंने अपना और जीनू का नाम कंबाइन करके सैनजिंक्स बनता है, तो हम हर जगह सैनजिंक्स ही लगाते हैं, हमारी ईमेल आईडी भी इसी तरह की है, तो SAN सैन और JINKS, क्योंकि घर पे मेरा नाम जिंकू है तो ये लिखवाया था।
ये हैं मेरी मम्मा और करवा चौथ वाले दिन ये इस तरह से लग रहे थे। और अभी वॉइस ओवर करते करते इस टाइम मौसम इतना खतरनाक वाला है, इतनी बारिश थंडरिंग, और मतलब हम डर गए हैं इस टाइम। आपको दिखाती लेकिन दिखा नहीं सकती। और मम्मा की बैंगल्स इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी ना, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने पहनी थी, शायद मुझसे ज़्यादा मम्मा की बैंगल। तो अभी हो गई है रात, और रात को लाइट्स की जो डेकोरेशन है वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, और चांद जी भी आ गए हैं। तो ये देखिए हमारा करवा चौथ का चांद इस तरह का लग रहा था। आप लोगों को किस तरह का लग रहा था मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी पिक्चर्स। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी पूजा, और मेरी जो नथ और वो टीका था वो घर पे ही रह गया था गलती से। मैंने सारा सामान अच्छे से डाला था, लेकिन फिर भी इतना ज़रा सामान शादी के लिए भी लाना था, तो इसलिए वो रह गया था घर पर। तो इस बार पहली बार होगा कि मैंने फिर पूरा प्रॉपर तरीके से जो श्रृंगार है वो नहीं किया था, जो 16 श्रृंगार बोलते हैं जिसको, वो नहीं किया था, क्योंकि उन दोनों के बिना ऐसे लगता ही नहीं है कि करवा चौथ कम्प्लीट हुई। पूरा रेडी होके फिर ही जब हम अर्घ देते हैं तो तब लगता है कि नहीं अब हमारा व्रत जो है कंप्लीट हो गया। तो बस यहाँ पे मैं और मम्मा ही हैं, दीदी सेंटर वाली दीदी देख के चले गए हैं, और जो बड़ी वाली दीदी है उन्होंने भी, उनका भी हो गया। और मैं और मम्मा अभी गए थे मार्केट, और अभी थोड़ी देर पहले मेहंदी लगवाने के बाद फिर से हम मार्केट गए थे, फिर अभी थोड़ी देर पहले हम पहुँचे हैं। तो अब हम दोनों ही रह गए थे, तो हम दोनों दे रहे हैं, बाकी सब डिनर वगैरह करना शुरू हो गए हैं। तो बस अभी हमारी यहाँ पे हो रही है पूजा, और जो ये दीपक था ये बार बार मतलब हवा चल रही थी तेज, उसको ये डर था कि कहीं बुझ ना जाए, तो मम्मा हाथ रख के उसको ध्यान रख रहे हैं उसका कि कहीं बुझ ना जाए। तो बस यहाँ पे हो रही है जीनू की पूजा, और याना भी आए हैं, तो मैं उनको पूछ रहे हैं ना आप क्या करने के लिए आए यहाँ पे। तो बस यहाँ हो चुकी है हमारी पूजा, तो अभी हम जाएंगे नीचे जाके खाएंगे डिनर। और जो मम्मा को हमने रात को जो हम बेया बोलते हैं उसको, वो जो देना है वो हम अभी नहीं देंगे, आज तो दे नहीं सकते, तो दिवाली वाले दिन देंगे वो।